अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ आसिफ अंसारी, वेलकम टू माय चैनल किरण फैशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल न्यू वीडियो, जिसमें मैंने कलियों वाली अनारकली फ्रॉक बनाना सिखाई है। चूड़ीदार भी है उसके अंदर, और चूड़ीदार अगर आपको सीखना हो तो आई के निशान पर मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप आई के निशान के ऊपर जाके उसका चूड़ीदार का अपना लिंक देख लीजिएगा, चूड़ीदार किस तरीके से बनाया है उस कलियों वाली फ्रॉक का। और इस फ्रॉक इसमें मैंने दुपट्टा भी बनाया है, और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने बनाई है। आइए देखें हमारी फ़्रॉक। दोस्तों ये देखें, ये हमने इसमें चरमा डोरी का यूज़ किया है, रिंग वाली चरमा डोरी लगाई है, ये लेस लगाई है दुपट्टे के अंदर। ये कलियों की मैंने कटिंग भी सिखाई है दोस्तों, और ये हमने इसमें बंच लगाए हैं, बंच के साथ हमने दामन के अंदर ये दोस्तों हमने लेस लगाई है, बढ़ती हुई लेस लगाई है। इसके पीछे हमने अलग से कपड़ा दिया है, क्योंकि ये कलियों वाली फ्रॉक को ऊपर नहीं ढाँप सकते, तो इसलिए हमने उसको बढ़ता हुआ लगाया। ये एक एक चीज़ मैंने दोस्तों आपको पूरी वीडियो के अंदर बनाना सिखाई है, और हमने इसके अस्तर के अंदर अस्तर जोड़ना सिखाया है। अस्तर की साइडें बिल्कुल अलग अलग बन गई हैं इस फ्रॉक की हमने। और ये दुपट्टा है हमारा, दुपट्टे के लंबाइयों में हमने ये बॉर्डर यूज़ किया है, और चौड़ाई में हमने ये लेस का पट्टा यूज़ किया है, और इसी तरीके से हमने ये आस्तीन बनाई है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं हमारे चाहने वाले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये देखें, आप ये पीस बिछा लें, मेरे पीस जो निकाला है 48 लंबाई का निकाला है, मेरी लंबाई 48 है, और चेस्ट साइज़ इसका है 19 इंच का। तो उस हिसाब से मैं 19 के हिसाब से मैं इसमें 6-7 कलियाँ निकालूंगा, 3-3 इंच की कली तैयार आएगी। तो दोस्तों ये देखें, आप पौने दो वो पहले रखेंगे आप इसको 5.5 पे, इधर 5.5, ठीक है। अब इस तरफ भी आप 5.5 पे रखेंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को पकड़ के प्रेस लगानी है, क्रीज बिठानी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये क्रीज बिठा ली मैंने, अब आपने क्या करना है, ये ऊपर से शोल्डर जो आएगा वहाँ से लेके आपने इसको 20 इंच तलक पे निशान लगाना है, ठीक है। अब आपने इसकी कली रखनी है 1.25, ठीक है, 3 इंच तैयार आएगा। 1.25 के ऊपर आपने इस तरीके से निशान उठाने हैं इसके 20 इंच तलक। अब आप इसके ऊपर एक स्केल की लाइन खींच लें। दोस्तों ये देखें, मैंने ये 20 इंच तलक इसकी 1.25 के हिसाब से लाइन खींच ली है। अब आपने क्या करना है, 20 इंच के बाद से आपने ये जो आपने नीचे 5.5 रखा था वहाँ पे, और इसको यहाँ से मिलाना है, ठीक है। ये मिला के आपने इस पर भी निशान उठा लें। दोस्तों ये देखें, मैंने निशान लगा लिए, अभी आप इसको कटिंग करेंगे अपने निशानों के हिसाब से, तो हमारी एक कली निकलेगी। ये तो फर्स्ट स्टेप है, अब आप इसको सेकंड स्टेप भी देखिएगा, जिसमें कपड़ा बचाने का तरीका सिखाऊंगा, वो लाजमी देखना, क्योंकि हर कली इस तरीके से नहीं कटेगी। ये पहले स्टेप में इस तरीके से कली कटती है आपकी, ये मैंने इस पे से निकाल ली एक कली, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या करना है सेकेंड स्टेप में आपको बताता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी आपने यहाँ पर लगाना है दोस्तों एक निशान 5.5 इंच का, जो ऊपर वाला हिस्सा था, और वहाँ पे जहाँ पे से आपकी ये कली पतली थी इस तरफ पे लगाना है आपने 1.25 इंच का निशान। ये ऊपर आ जाएगा, नीचे का ऊपर आ जाएगा, ऊपर का नीचे चला जाएगा, तो ये उल्टी पलटी होंगी, ठीक है। और अब जो आप इसको पकड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा, देखें आप नज़र आ रहा होगा आपको, ये इस तरीके से आपका ये पीस आ गया। अब इस पे निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्रीज बिठानी है आपने। दोस्तों ये देखें, ये मैंने क्रीज बिठा ली। अब आप इस कली को जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली थी, इसको आपने इसके ऊपर सेट करना है, रखना है, और कटिंग करनी है। ये इस तरीके से दोस्तों सारी कलियाँ आएंगी, अल्टी पल्टी होगा, जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाएगा, और जो आपने फर्स्ट कली थी वो हर कली के ऊपर रख रख के कटिंग करनी है, निशान बार बार नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसको स्टिचिंग करना सिखाऊँगा। दोस्तों ये देखें, ये मैंने ली हुई चरमा, ये लहरिया चरमा होती है, मैंने ये ली हुई अभी है, हम लगाएंगे, हम आधी पैनल के अंदर आएगी और आधी हमारी अंदर चले जाएगी, दब जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीन में धागा डालने के बाद आपने इसको अपने जितना दबाव गली का लेना है उस दबाव के हिसाब से इसके सेंटर में सिलाई लगानी है, ठीक है दोस्तों। अब इस तरीके से आप ये पूरी पैनल के ऊपर सिलाई से जोड़ दें। दोस्तों ये देखें, मैंने एक सिलाई से चरमा लगा ली है। अब मैं आपको दूसरी सिलाई जो हमने इस तरफ उल्टी तरफ करेंगे, उल्टी तरफ जो दूसरी सिलाई आ रही थी उसी सिलाई के ऊपर आप जो कली के सेंटर में लगाई थी
उसी सिलाई के ऊपर अब एक सिलाई और लगा देंगे पीछे दूसरी कली जोड़ के। पीछे हमने दूसरी कली रखी हुई है, इस कली को रखा है मैंने, और फिर अब इस तरीके से इसको जोड़ के आप सिलाई लगा दें। ये तमाम कलियाँ जोड़ ली हैं अपनी और मैंने इस पर इस तरी लगा के इसको एक रुख पर बैठा दिया है अपनी प्लेटों को सबको। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका करेंगे सेंटर। सेंटर करके इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग। लाइनिंग मैंने पहले से कटिंग करके तैयार करके रखी हुई है। मैं इसका सेंटर करके और लाइनिंग रख के दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से कटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, मैंने इसको सेंटर करके बिठा लिया है और ये ऊपर से इस तरीके से बिठाया, नीचे से आप देखें किस तरीके से बिठाया। इसको मैंने यूँ इस तरीके से ये प्लेटों को अपनी कलियों को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब इसके दामन को यहाँ से सीधा कर लिया है पूरा। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर और फिर अस्तर को कटिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये देखिए, मैंने अस्तर अपना इसके ऊपर रख लिया है कि अस्तर पर निशान भी लगे हुए हैं। मैंने अस्तर के जोड़ जोड़ लिए थे और दामन वगैरह मैंने फोल्ड कर लिया है अस्तर का। अब देखें मैं इसको कटिंग करता हूँ। इसको आपने इस तरीके से कटिंग करना है, जहाँ जहाँ अस्तर में खुटके लगे हुए हैं वहाँ आपने खुटके भी लगाना है अपनी शर्ट के ऊपर। ये देखें, ये थोड़ा सा इसका ये खुटका रहा है, तो इस खुटके को आपने पीछे वाले पे भी उठा लेना है ताकि हमारे को निशान लगाना है। इसकी साइड अलग अलग बंद करूँगा मैं, क्योंकि कलियों वाली फिर आपकी साइड अलग अलग बंद करते हैं तो ज़्यादा खूबसूरती और अच्छा लगता है। ये देखें, यहाँ पर मैं पीछे निशान उठाऊँगा। इसको कैंची को थोड़ा गड़ाया मैंने, अब आ गया हमारा इसके अस्तर के ऊपर निशान। तो हम अस्तर पे भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ से आपने शेप देना है और बाकी इसके कमर के इधर इधर आप टेंशन नहीं लें और ये यूं करके थोड़ा सा शेप दें और फिर आप इतना इतना दबाव सारा ऐसे ऐसे ले जाएं और इसकी वजह की बाद में ओवरलॉक। ठीक है दोस्तों, अब हम अस्तर जोड़ना सिखाएंगे। ये अस्तर यहाँ से जुड़ेगा, खाली ये जुड़ेगा, शोल्डर जुड़ेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें, आप इसको इस तरीके से बिठाएं। दोस्तों आपने इसको यूँ करके बिठा लिया। आप अपने इसके सेंटर के अंदर थोड़ी थोड़ी सी यू इचू लगानी है, ठीक है, और अस्तर का सेंटर आपने इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। ये अस्तर का सेंटर इसके साथ अटैच चिपका दिया आपने। अब आपने इसके यहाँ तक, यहाँ पर खुटके लगे हुए ना, यहाँ तक आपने यू इचू से जोड़ लेना है। साइड इसकी दोनों पूरी ऊपर से लेकिन नीचे तक बंद होंगी। मैं आपको बताऊँगा साइड बंद करना भी तरीका जब मैं इसको गला वगैरह कंप्लीट कर लूँगा और इसके दामन वगैरह बना लूँगा, तो फिर मैं साइडें भी बंद करूँगा। ये आपने इसको इस तरीके से जोड़ लिया फुटके तलक। ठीक है दोस्तों, अब हम बनाएंगे गला इसका। दोस्तों ये देखें, ये मैंने गला चिपका लिया इसके ऊपर। गला चिपकाने के बाद मैंने इसको साइड से फोल्ड भी कर लिया है और उसके बाद मैंने एक सिलाई लगा ली है अपने इस किनारे पर। गले के जो जहाँ से पलटते हैं वहाँ पर एक सिलाई लगाई है। सिलाई मैंने क्यों लगाई है आपको भी समझाता हूँ। ये देखें, आप इस सिलाई के ऊपर आप बिल्कुल सिलाई के सेंटर में हल्की हल्की सी यूएचयू लगाएं, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने ये चरमा लेनी है, आपने इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई के इस चरमा को सेट करना है ताकि आप जब गला पलटेंगे तो आपकी हाफ चरमा गले के बाहर निकलेगी। ठीक है दोस्तों, हम ये पूरी चिपका के आपको दिखाता हूँ गला पलट के, ठीक है। दोस्तों ये देखें, ये मैंने पूरी चिपका ली है। अब हमने इसके इस तरफ उल्टी तरफ थोड़ा थोड़ा सा यूएचयू लगाना है ताकि हमारा गला इधर उधर भागे नहीं और एक ही जगह पे चिपक जाए और हम सिलाई लगाएं तो हमारे लिए आसानी पैदा हो, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी यूएचयू लगा ली। अब इसको अपने इसको इस तरीके से अपने खुटकों पर रखना है, सेंटर देखना है, इसको सेट करना है और इसको चिपका देना है, ठीक है। ये चिपकाने के बाद आपने करना ये है, ये जो आपने सिलाई लगाई थी इस तरफ, इस सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे, काटेंगे, पलटेंगे, गला आपका बन गया। दोस्तों ये देखें, मैंने ये इसमें सिलाई लगा के कटिंग करके सब कुछ कटिंग कर लिया है और कट भी लगा दिए हैं। अब हम इसको पलटेंगे सीधी तरफ करो। दोस्तों ये देखें, इसको पलट लिया। अब आपकी आधी आधी वो बाहर आ रही है। अब इस पर लगाएंगे प्रेस और इस तरीके से हम पूरे गले को बिठा लेंगे, ठीक है। आप पूरे गले को इस तरीके से सेट कर लें। हमें ये गला बनाने के बाद आपको इसी मेथड के ऊपर हमने जिस तरीके से ये चुकाया था यहाँ तक, हम बेक का गला, बेक का स्तर वगैरह चुकाएंगे, बेक का गला पलटेंगे, उसके बाद हम दामन बनाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको साइडें बंद करना सिखाएंगे अलग अलग और फिर ऐसे नहीं छुड़ाना। ये लेस लिए, लेस के मैंने दोनों तरफ से सिलाइयाँ खोल दी क्योंकि रेडीमेड लेस सिलाइयाँ लगाते हैं रेडीमेड वाले, तो वो इतनी फिनिशिंग से नहीं लगी हुई थी। मैंने लेस के दोनों तरफ से सिलाइयाँ खोल के इसके अंदर मैंने लगाई है ज़ीरो की बुकरम प्रेस करके, बिल्कुल इसको प्रेस से बैठा के गद्दी के ऊपर प्रेस करी थी मैंने,
और फोम की गद्दी ले लेना आप, उस पर बेरेस करके इसको बैठा के आप इसके अंदर क्या बोलते हैं ये ज़ीरो की बुकरम लगा लेना। अब हम इसके दामन के अंदर हम इसको बढ़ता हुआ लगाएंगे, तो हम इसको बढ़ता हुआ लगाएंगे किस तरीके से, ये दोनों तरफ मैंने इसके क्रीज भी ढाली है, क्रीज को हम मशीन से यूँ लगा देंगे एक तरफ। एक तरफ हम इसकी सिलाई लगाएंगे और इसका बॉर्डर तैयार करेंगे दामन पे लगाने के लिए। दोस्तों ये देखिए मैंने अपनी लेस का बॉर्डर बना लिया है, पीछे हमने इसके कपड़ा लगा लिया है और कपड़े के ऊपर मैंने हल्के हल्के से ट्रिक मैट भी लगाए हुए हैं, और हम अब इसको उल्टी तरफ रखेंगे इसके और इस पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये मैंने निशान लगा लिए, मैं निशानों के हिसाब से ही चलूँगा ताकि हमारी लेस बिल्कुल परफेक्ट लगे। दोस्तों ये देखिए हमने ये सिंगल सिलाई लगा ली है, अब हम इसको लेस को इस तरीके से पलटेंगे ऊपर की तरफ और इस पर सिलाई लगा देंगे लपकी और हमारी लेस लग जाएगी बढ़ती हुई। तो दोस्तों ये मैं पिछले बॉर्डर पे भी लेस लगा के दामन पे आपको मैं बताऊंगा कि इसकी साइडें अलग अलग किस तरीके से बंद की जाएंगी, आप वीडियो देखते रहें। दोस्तों ये देखें ये आपने जो खुटका लगाया था चेस्ट साइज़ का वहाँ तक आपने इसको कच्चा कर लिया था, पहले मैंने आपको दिखाया था, अब इसको यूँ पकड़ना है आपने और इसको बैक वाले को भी यूँ इस तरीके से पीछे की तरफ करके पकड़ना है, और इस अंदर वाले के इस हिस्से में आपने सिलाई लगानी है। साइड अलग अलग करने का ये तरीका है, पक्का करें यहाँ पर, फिर आप इसको पीछे कर दें और नीचे से भी इसको हटा दें कपड़े को और अपनी सिलाई साइड पूरी बंद कर दें। मैं इसकी फ्रंट की साइड बंद करके आपको फिर अस्तर की बंद करना सिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें ये मैंने ये सिलाई लगा दी है, साइड बंद कर दी, आप इसे इसको यूँ पकड़ना है। देखें दोस्तों ये हमने अपनी फ्रॉक कंप्लीट कर ली है, मैंने कहा था मैं बंच लगाऊंगा, तो दोस्तों ये बंच मैंने मार्केट से लेस ली थी, लेस के बंच कटिंग करके मैंने इसके ऊपर ये बंच मैंने चिपका के और फिर इसको टाँके लगा दिए चारों तरफ, तो ये हमारी फ्रॉक हो गई कम्प्लीट। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं दिखाया आपको वीडियो के अंदर, वीडियो हो जाती लंबी, तो मैंने सोचा कि अब ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ये लेनी है, यूएचयू से चिपकाना है, उस पर टाँके लगाना है, और ये हमने अपनी फ्रॉक कंप्लीट कर ली। दोस्तों कैसी लग रही है, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो नए हैं हमारे चाहने वाले उसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।